Hey everyone, welcome to Inspire Warriors. So let's start today's lecture. आज हम कुछ important current affairs के question format में देखने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का lecture. सबसे पहले question है आप लोगों के लिए कि host country कौन है 2022 का, जो ICC का Women's का World Cup match होगा, उसका host country कौन है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ICC की full form क्या है, International Cricket Council. तो ICC आपको याद रखना है. ICC जो matches करवा रही हैं उसकी host country कौन है 2022 में, but कौन से match होंगे, ये Women's World Cup match होंगे, और host country कौन है ये आपको ध्यान में रखना है, New Zealand. So it's very important. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें CEO ऑफ UIDAI. अब UIDAI क्या है, इसकी फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, UIDAI की फुल फॉर्म यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ऐसी अथॉरिटी जो आपको कुछ यूनिक, जो दूसरों से अलग आपको कुछ प्रोवाइड कर रही है. फॉर एग्जांपल, जो UIDAI है ये संभालती है आपका जो आधार कार्ड होता है, ठीक है, 12 डिजिट का जो नंबर होता है यूनिक, वो कौन फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करता है, UIDAI के बारे में तो आपको पता चल गया, जो बॉडी वो आधार को संभाल रही है. अब आपको CEO के बारे में पता होना चाहिए. क्यों भाई, क्यों ऐसे पता होना चाहिए इसके बारे में? क्योंकि अब जो CEO है UIDAI का नया नियुक्त हुआ है, तो वो कौन है CEO, सौरभ गर्ग. ओके, ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं. नेम द न्यू अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ AAI. अब AAI क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एयरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ऐसी बॉडी जो इंडिया के एयरवेज हैं, ठीक है, एरोप्लेन्स एंड ऑल हैं, उनके बारे में जो अथॉरिटी है, उसके चेयरमैन जो नए अपॉइंट हुए हैं वो कौन है. तो क्वेश्चन क्या है, AAI मतलब एयरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के न्यू चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, उनका नाम है संजीव कुमार. ओके, तो UIDAI के फुल वो कौन थे चेयरमैन, सॉरी CEO सौरभ गर्ग, और AAI के एयरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संजीव कुमार, ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट अगर हम बात करें महाराष्ट्र भूषण अवार्ड जो है ये किसको मिला है. देखिए, महाराष्ट्र कंट्री जो है इन्होंने एक अवार्ड दिया है, भूषण अवार्ड, ये किसको मिला है, आशा भोंसले को, ठीक है, जो सिंगर है आशा भोंसले, उनको मिला है. नेक्स्ट अगर हम बात करें चेयरमैन ऑफ FCI क्या है, अब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो हमारी कंट्री में एक बॉडी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं नए, अब आतिश चंद्र, ठीक है, आतिश चंद्र जो है वो FCI के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट, अब केन और जो बेटवा है ये दो रिवर्स हैं, इन दोनों रिवर्स जो हैं इनको इंटरलिंक करवाया जा रहा है, दोनों रिवर्स को मिलाया जा रहा है. अब क्वेश्चन पूछा है कौन कौन सी स्टेट में जो केन और रिवर, जो केन है और बेटवा रिवर है, वो कौन कौन से स्टेट में जो है उसको लिंक करवाया गया है, वो है UP एंड MP. अब देखिए, कोई भी दो रिवर्स को तब जो है इंटरलिंक करवाया जाता है जब एक रिवर जो है उसका सरप्लस पानी होगा, ठीक है, पानी ज़्यादा होगा, और जो दूसरी एरिया जिस एरिया में फैल रही है, जिस एरिया में जो है बह रही है, वो एरिया जो है डेफिशिएंट होगा, वहाँ पे पानी कम होगा. तो हम क्या करते हैं, जो सरप्लस, जहाँ से ज़्यादा पानी आ रहा है जिस नदी से, और जो एरिया में पानी कम आ रहा है उसके साथ उसको इंटरलिंक करवा के दोनों एरिया को जो है पानी से उसको हम भर देते हैं. ओके, इज़ इट क्लियर? तो केन बेटवा रिवर लिंक जो प्रोजेक्ट है ये किस किस स्टेट में है, UP एंड मध्य प्रदेश में. उसके बाद अगर हम बात करें थीम ऑफ अर्थ और डे, अर्थ और डे जो होता है उसकी जो थीम क्या थी इस बार, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ, वो थीम थी इस बार अर्थ डे की. और अर्थ डे जो है वो कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें गांधी पीस प्राइज 2020, गांधी पीस प्राइज 2020 की अगर बात करें, इस बार किसको मिला है, शेख मुजीबुर रहमान को. जो शेख मुजीबुर रहमान है ये बांग्लादेश के फादर ऑफ बांग्लादेश भी इनको बोला जाता है. ओके, जो फाउंडिंग फादर है बांग्लादेश के उनको बोला गया है, क्या नाम दिया गया है इनको इस बार हमारे कंट्री से, गांधी पीस प्राइज. अब गांधी पीस प्राइज जो है ये इंडिया देती है उन बंदों को जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड किया हो नॉन वायलेंस कैटेगरी में, ठीक है, तो इस वजह से इनको प्राइज़ मिला है. इसी तरह से 2019 में भी जो प्राइज़ मिला है वो जो एक सुल्तान है जो ओमान कंट्री के, उनको, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट अगर हम बात करें थीम ऑफ वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे,
ट्यूबरक्लोसिस टीबी जिसको बोलते हैं, तो इस बार की थीम क्या है? द थीम इज द क्लॉक इज टिकलिंग. ठीक है, तो क्लॉक इज टिकिंग, तो ये है जो क्लॉक है, जो घड़ी है, वो चलती जा रही है. आपको जो है टारगेट जो है कंप्लीट करना है. दिस इज द थीम ऑफ टीबी डे. अब जो टीबी है, ये कौन सा डे होता है वर्ल्ड टीबी डे का? 24 मार्च. 24 मार्च को होता है वर्ल्ड टीबी डे. अब देखिए, जो ट्यूबरक्लोसिस होती है, इसका हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने टारगेट रखा था कि हम एलिमिनेट कर देंगे टीबी को, ट्यूबरक्लोसिस को हम अपनी कंट्री से एलिमिनेट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे. और टारगेट क्या था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है. 2025 ईयर तक हम जो है उस टीबी को जो है एलिमिनेट कर देंगे इंडिया से. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, और 24 मार्च को होता है ट्यूबरक्लोसिस डे. नेक्स्ट फिगर हम बात करें, माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस. अब एक बुक होती थी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है, अब दूसरी बुक है. देखिए, उसको आपने कंफ्यूज नहीं करना. माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है किसकी? महात्मा गांधी की. बट ये बुक जो है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस, ये वर्ड आपने ध्यान रखना है. माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस जो बुक है, ये किसने लिखी है? समीर सोनी ने. सो दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. नेक्स्ट, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड वाटर डे. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड वाटर डे कब होता है. वर्ल्ड वाटर डे होता है 22 मार्च को. अब क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ल्ड वाटर डे की थीम क्या है इस बार की, तो थीम है वैल्यूइंग वाटर. वाटर की जो है वैल्यू करो. ठीक है, अब चलिए, मैंने आपको UIDAI के बारे में बताया, उसके CEO कौन है? सौरभ गर्ग. अब आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि UIDAI के थोड़े से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन. अगर हम बात करें UIDAI की, तो ये जो है कोई सिटीजन डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब सिटीजनशिप जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं है किसी जो पर्सन को प्रोवाइड करने के लिए. और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है? ये मिनिस्ट्री के अंडर है इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर. एंड अगर हम बात करें आधार की, देखिए आधार कार्ड तो आजकल सबके पास है. ये जो आधार कार्ड है, इस आधार की जो विशेषता क्या है, इसमें 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया गया है. आधार कार्ड जो होता है उसमें आपके 12 डिजिट का जो है यूनिक नंबर जो प्रोवाइड किया गया है, वो नंबर आपको डिस्टिंग करता है दूसरों से. ये जो नंबर है आपका 12 डिजिट नंबर, ये आप लोगों की पहचान है. ठीक है, तो ये जो आधार है, इसको देख रेख किसकी देख रेख में होता है, वो मैंने पहले भी बताया, UIDAI की अंडर. ओके, अगर हम बात करें चेयरमैन, तो UIDAI, मैंने आपको बताया जो सौरभ गर्ग है वो है CEO UIDAI की. अगर बात करें चेयरमैन UIDAI की, तो वो है जय सत्येंद्रना. तो जय सत्येंद्र नारायण है, वो है चेयरमैन, ओके, UIDAI की. अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये आधार था, इसका जो पर्पस क्या था बनाने का, तो आधार का जो पर्पस था वो ये था कि एक आइडेंटिफिकेशन जो है प्रोवाइड करेगा जो सिटीजन्स हैं हमारी कंट्री के. ठीक है, और दूसरा, ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में हेल्प करता है. इसका क्या मतलब हुआ है? फॉर एग्जांपल, अगर किसी किसान को या किसी दूसरे बंदे को जो सब्सिडी प्रोवाइड करनी हो गवर्नमेंट ने, या उसके जो ट्रांसफ़र करना हो कुछ, ठीक है, बेनिफिट्स, तो इसीलिए डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र है उसके लिए, और जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए जो आधार है उसको किया जाता है. अब जो ये आधार है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम है. ये एक दुनिया का जो अनोखा एक सिस्टम है जो आपको आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है किसी कंट्री की. ठीक है, तो सो दिस वाज फ्रॉम टुडे साइड. थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड.